नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेवाएं शुरू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए एक आदेश जारी किया है। बता दें, आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेवाएं शुरू करने को लेकर फैसला ले। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में आंगनवाड़ी सेवाएं शुरू नहीं की जाएगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार देने के भी निर्देश दिए हैं। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। बता दें, पंचांग के अनुसार इस दिन पौष मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और धनु राशि से सूर्य निकल कर मकर राशि में आ जाएंगे। इस दिन विशेष योग भी बन रहा है, इसलिए इस वर्ष की मकर संक्रांति कई मायनों में विशेष और शुभ है। बता दें, मकर राशि में सूर्य, शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा के साथ विराजमान रहेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्यदेव प्रातः 8:20 के करीब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय प्रातः 7:15 पर और 5:45 पर सूर्यदेव अस्त होंगे। हेमंत सरकार को बिजली का झटका, आरबीआई खाते से काटे 714 करोड़। केंद्र से चल रही खींचतान के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार ने हेमंत सरकार को बिजली का एक और झटका दिया है। बता दें, डीवीसी के बकाया बिजली मद में 714 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से काट लिए। हालांकि इसी सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने उस त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग कर लिया था जिसमें बकाया राशि राज्य के खजाने से काट लिए जाने का प्रावधान था। रांची के 10 मार्गों पर पुलिस का पहरा, जर्दा पान के साथ पकड़े गए तो होगी कार्रवाई। जर्दा पर रोक संबंधी राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस हो गया है। बता दें, बाहर से ज्यादा की आमद न हो इसके लिए शहर के 10 प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी का फैसला लिया गया है। जमशेदपुर मार्ग के तमाड़ क्षेत्र, ओरमांझी, पिठौरिया, खलारी, इटकी रोड, खुट्टी रोड, सीली क्षेत्र और मोरी रोड सहित अन्य मार्गों पर प्रशासन की नजरें बनी रहेगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बता दें, चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में 10 नवंबर 2020 को ऑपरेशन कर महतो का फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद से वह एमजीएम में ही भर्ती हैं। बता दें, ऑपरेशन के 2 महीने के बाद स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। डॉक्टर अस्पताल से रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह एक पखवाड़ा में झारखंड आ सकते हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुँची रांची। झारखंड को कोविशील्ड वैक्सीन के 1,62,000 डोज की पहली खेप बुधवार को मिल गई है। बता दें, रांची एयरपोर्ट से टीके को कड़ी सुरक्षा के बीच नामकुम स्थित स्टेट वैक्सीन सेंटर ले जाया गया। वहां से विभिन्न जिलों में टीके भेजने की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बुधवार को ही सभी जिलों को टीका उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें, 16 जनवरी को टीकाकरण के पहले चरण में 1,31,000 चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। बाकी बचे 31,000 डोज आर्मी के जवानों को दिए जाएंगे। ये रामगढ़ और रांची के नामकुम स्थित सेना के कैंपों में उनकी जरूरत के हिसाब से भेजा जाएगा। रामगढ़ के 3 स्कूलों में 30,60,000 का फर्जीवाड़ा। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के 3 स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूली बच्चों को मिलने वाले छात्रवृत्ति लाभ में 30,60,000 रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें, इसमें संत पीटर स्कूल घाटो, मिलेनियम पब्लिक स्कूल कर्मा और नवचेतन पब्लिक स्कूल साड़ी शामिल है। बताया जाता है कि संत पीटर स्कूल घाटों में 145 बच्चे, मिलेनियम पब्लिक स्कूल कर्मा में 3 और नवचेतन पब्लिक स्कूल साड़ी में कुल 158 बच्चे का नाम शामिल है। झारखंड में बर्ड फ्लू के 2210 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव। झारखंड से करीब 2210 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गए थे। इसमें से एक भी सैंपल में बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं 1434 नए सैंपल को भी जल्द कोलकाता भेजा जाएगा। इसमें रांची और जमशेदपुर स्थित चिड़ियाघरों के सैंपल भी शामिल हैं। बता दें, बर्ड फ्लू होने की स्थिति पर जांच रिपोर्ट भोपाल स्थित जांच केंद्र भेजी जाएगी। वहां से फ्लू की जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। झारखंड में 152 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। बता दें, झारखंड में कुल मौत की संख्या 1048 है। वहीं झारखंड का एक्टिव केस 1356 है। भारत में 10,033 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,51,720 है। वहीं भारत में एक्टिव केस 2,09,964 है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का होगा ओपन बुक एग्जाम।
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। बता दें इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मंगलवार को सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया। इसकी प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी। बच्चों का मूल्यांकन ओपन बुक एग्जाम के आधार पर होगा। बच्चों को प्रश्न पत्र उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। बता दें प्रश्न पत्र राज्य स्तर से जिला, प्रखंड व संकुल केंद्र को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी बनाए जा सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त बनाए जा सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें पंचायती राज विभाग ने तिवारी को आयुक्त बनाने की अनुशंसा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद ही इस संदर्भ में निर्णय लिया जा सकेगा। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव जल्द आ सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी डॉक्टर के अलावा कानून और अर्थशास्त्र के भी जानकारी है। खुद वैक्सीन लेकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान से नहीं डरने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से होगी और उनकी टीम का कप्तान होने के नाते वे पहला टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे। बाना गुप्ता ने टीकाकरण अभियान की तैयारियों को भी मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की पहली खेप राज्य में आ गई है। लोहरदगा में PLFI उग्रवादी संगठन के नाम पर लगाया बैनर पोस्टर। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में दुस्साहस का परिचय देते हुए शहर के 3 अलग अलग स्थानों में PLFI उग्रवादी संगठन के नाम पर बैनर पोस्टर टांगे गए हैं। मामले की सूचना मिलने के साथ ही सदर थाना पुलिस ने बैनर और पोस्टर को जब्त कर लिया है। पुलिस ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया है। सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मंटू कुमार का कहना है कि यह पूरी तरह से असामाजिक तत्वों की करतूत प्रतीत हो रही है। पंचायत स्वयंसेवकों की सेवा स्थायी की मांग। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर बुधवार को पंचायत स्वयंसेवकों ने महेशपुर विधायक प्रतिनिधि अब्दुल वदूद को 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रखंड अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि पंचायत स्वयंसेवकों का प्रोत्साहन राशि बंद कर उचित मानदेय देना चाहिए, स्वयंसेवकों की सेवा स्थायी कर देना चाहिए। देवघर SP ने की मासिक अपराध समीक्षा। देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मासिक अपराध की बैठक हुई। बैठक में SP ने लंबित विशेष व अविशेष प्रतिवेदित कांडों के शीघ्र निष्पादन के बारे में समीक्षा की तथा लंबित सभी प्रकार के कांडों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही थाना क्षेत्र के शीर्ष अपराध कर्मियों की सूची तैयार कर उन पर निगरानी रखने, जमीन का कारोबार करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनके गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। रांची में फर्जी वोटर ID बनाने वाले 3 गिरफ्तार। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष गुप्ता ने बुधवार को फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फर्जी वोटर ID बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कृषि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, रामेश्वर उरांव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नए कृषि कानूनों पर स्टे लगाने का फैसला किया है, लेकिन पार्टी इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पहले इन 3 कानूनों को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और फिर सभी से विचार विमर्श कर नए कानून बनाने पर सहमति बनाई जाए। हाई कोर्ट ने स्पीकर को शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। बता दें कोर्ट ने स्पीकर को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया और इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि चाहे तो बाबूलाल मरांडी भी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। पलामू में 11 व 12 फरवरी को आदिवासी महाकुंभ मेला मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के दुबिया खाड़ में 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेला 11 व 12 फरवरी को होगा। इसकी जानकारी देते हुए मनका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि आदिवासी विकास मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए मेला उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जा चुका है।
झारखंड पुलिस ने 2 घंटे में 23,000 वाहन जांच की। डीजीपी एमवी राव के आदेश पर 12 जनवरी की शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक पूरे राज्य में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें 2 घंटे की इस चेकिंग में 23,443 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कुल 223 मोटरसाइकिल कागजात अधूरा रहने के कारण जब्त की गई है। वहीं बिना हेलमेट में राज्य भर में 422 लोग पकड़े गए, जिनसे 3,58,500 रुपये जुर्माना के रूप में वसूले गए। झारखंड के ANM GNM वैक्सीन देंगे लेकिन लेंगे नहीं। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंधित कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन के बहिष्कार के निर्णय को फिलहाल टाल दिया है। बता दें 16 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के वे हिस्सा बनेंगे लेकिन अपनी मांगों के विरोध स्वरूप वैक्सीन नहीं लेंगे। बुधवार को अनुबंध कर्मचारी संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तय किया गया कि प्रथम चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें हम ANM और GNM आते हैं, वैक्सीन लेंगे नहीं लेकिन मानवता के नाते वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं। हाथ पैर बांध पतरातू डैम में जिंदा डूबोकर मारी गई मेडिकल छात्रा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती पूर्वे की मौत पानी में डूबने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई। बता दें 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में हुए पोस्टमार्टम में मृतका के पेट से पानी निकला है। इससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि हाथ पैर बांधकर छात्रा को जिंदा ही डैम में फेंक दिया गया होगा। चिकित्सकों का मानना है कि मृत व्यक्ति को पानी में डुबो देने से पेट के अंदर पानी नहीं जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति की बैठक बुधवार को हुई। जानकारी दी गई कि पूजन अर्चना कर प्रांत के सभी गांवों मोहल्लों में 15 जनवरी से अभियान की शुरुआत होगी। बता दें डॉक्टर वीरेंद्र ने जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति झारखंड प्रांत के द्वारा प्रांतीय जिला व प्रखंड टोली का गठन किया गया है। कार्यकर्ता प्रांत के 32,623 गांव में 25,000 से अधिक गांव व 32 लाख परिवार के 2.25 करोड़ हिंदू जनमानस से संपर्क करेंगे। जल्द मंच पर लौटेंगे कलाकार, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे राज्य के कलाकारों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कला संस्कृति विभाग एक बार फिर से सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने जा रहा है। कोरोना के लिए जारी सरकारी गाइडलाइन के बीच सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में गतिविधियां शुरू करने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। विभाग का कहना है कि आयोग के जरिए कलाकारों को आर्थिक सहयोग भी मिल सकेगा, जिससे कि उनका जीवन एक बार फिर पटरी पर लौट सकेगा। राज्य के अधिकांश कलाकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य के कलाकारों के साथ कला संगठनों ने भी सरकार से गतिविधियां शुरू कराने का आग्रह किया था। रांची के सांसद संजय सेठ ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलकर झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेज में MBBS में नामांकन कराने की अनुमति देने की मांग की। सेठ ने बताया कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है। पूर्व की रघुवर दास सरकार के प्रयास से यहां के बच्चों के भविष्य को देखते हुए 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2019 में 3 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हजारीबाग, पलामू और दुमका में की गई थी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।